हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी लाइन वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को द इविल विदिन 1 एंड द इविल विदिन 2 की कंप्लीट स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, सो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है सेबास्टियन कैस्टियानोस, जो कि क्रिम्सन सिटी का एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर है। गेम में ऐसा बताया गया है कि कुछ टाइम पहले सेबास्टियन की बेटी की घर में आग लगने के वजह से मौत हो गई और उसकी वाइफ भी काफी समय से गायब है। गेम की स्टार्टिंग में सेबास्टियन और उसकी टीम एक कार में बैठकर बीकन मेंटल हॉस्पिटल की तरफ पढ़ रहे होते हैं। इस टीम में सेबास्टियन के अलावा और तीन लोग थे, ऑस्कर कॉनली, जोसेफ ओडा और जूली किडमैन। इन लोग को यह खबर मिली थी कि बीकन मेंटल हॉस्पिटल में मास मर्डर हुआ है, मतलब सामूहिक हत्या, मतलब कई लोगों का बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया गया है। नाउ सेबास्टियन बीकन मेंटल हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उन्हें एक क्रीपी नॉइज सुनाई देती है। गाइज, ये नॉइस क्या है, इसका क्या मतलब है और कौन ये नॉइस करता है, ये सभी सवालों के जवाब मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। और गाइज, इस समय इस पूरे शहर में इन चारों के सिवाय और कोई दिखाई नहीं पड़ता। नाउ फाइनली ये चारों बीकन मेंटल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां सेबास्टियन ऑस्कर कॉनली को बाहर रुकने के लिए बोल किडमैन और जोसेफ के साथ खुद अंदर जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरे हॉस्पिटल में उन्हें सिर्फ लाशें और खून के सिवाय कोई भी जिंदा आदमी दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर मार्सेलो हेमिनीज। यहाँ पर डॉक्टर हेमिनीज काफी डरे हुए दिखाई देते हैं और वो सिर्फ एक ही नाम को बार बार दोहरा रहे हैं, रूविक। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए सेबास्टियन वहाँ के सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस चेक करता है, जहाँ सेबास्टियन देखता है कि तीन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी साये जैसी चीज ने एक ही बार में मार दिया, जिसके बाद वो साया कैमरे की तरफ देखता है। और गाइज, ये दिखने में तो 10-12 साल के आम बच्चे जैसा था, जिसका आधा शरीर जला हुआ था, जिसके बाद ये घोस्ट जैसी चीज उस जगह से हटकर सीधा सेबास्टियन के पीछे टेलीपोर्ट होता है। और गाइज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये घोस्ट जैसी चीज आखिर है क्या। सो गाइज, हमारे गेम का मेन विलन यही है, रूविक। असल में गाइज, रूविक हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले वो भी एक आम बच्चे जैसा था और उसका नाम रूविक नहीं, रूबिन था। गाइज, रूविक के रूबिन बनने के पीछे भी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। गाइज, जब रूविक सेबास्टियन पर अटैक करता है तो सेबास्टियन एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इस वर्ल्ड में सेबास्टियन के साथ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं, जहां पर एक चेनसो वाला आदमी सेबास्टियन पर अटैक करता है और सेबास्टियन अपने आप को बचा किसी तरह से इस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहां सेबास्टियन देखता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है, जहां पर ऑस्कर कॉनली सेबास्टियन को एक एम्बुलेंस में बुलाता है। सेबास्टियन जल्दी से एम्बुलेंस में बैठता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक में हम पूरी क्रिम्सन सिटी को दो हिस्सों में बंटता हुआ देखते हैं और इन सभी एक्टिविटीज को रूविक देख रहा होता है, प्रोबेबली ये सब वही कर रहा था। नाउ इस समय इस एम्बुलेंस में टोटल 5 लोग मौजूद हैं, सेबास्टियन, डॉक्टर एमिनीज, ऑस्कर कॉनली, किडमैन और लेस्ली। गाइस, लेस्ली यहाँ पर डॉक्टर एमिनीज का एक मेंटल पेशेंट है। नाउ सेबास्टियन ऑस्कर से जोसेफ के बारे में पूछता है, जहाँ पर ऑस्कर बताता है कि जोसेफ हॉस्पिटल के अंदर तो गया था लेकिन बाहर आया ही नहीं, जहाँ पर सेबास्टियन एम्बुलेंस में लगे मिरर में डॉक्टर एमिनीज, लेस्ली और किडमैन के पास रूविक को देखता है, लेकिन पीछे देखने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, जिसके बाद एक बार फिर वही क्रीपी नॉइस सुनाई देती है जो गेम की स्टार्टिंग में सेबास्टियन और उसकी टीम ने सुनी थी, जिसके बाद ऑस्कर कॉनली धीरे धीरे एक जॉम्बी टाइप क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा है। और क्योंकि लेस्ली एक मेंटल पेशेंट है तो उसकी एक बुरी आदत है, वो किसी भी वर्ड को रिपीट करते करते चिल्लाने लगता है।
रहा है। और ये क्रीपी नॉइस सुनने के बाद लेज़ली फाइन फाइन का रिपीटेशन छोड़कर फॉल फॉल का रिपीटेशन करने लगता है, जिसके बाद सही में एम्बुलेंस काफी ऊंचाई से गिर जाती है। होश में आने के बाद सेबेस्टियन देखता है कि ऑस्कर कॉनली पूरी तरीके से एक जोम्बे टाइप क्रिएचर में बदल गया है। कॉनली सेबेस्टियन पर अटैक करता है और सेल्फ डिफेंस में सेबेस्टियन उसे शूट कर देता है। और गाइस आप लोग को याद होगा कि रूविक के अटैक करने के बाद सेबेस्टियन एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, और अभी सेबेस्टियन सिर्फ उस हॉस्पिटल से बाहर आया है, उस दुनिया से नहीं। ये दुनिया रूविक की है और यहाँ पर सारी चीजें उसी की मर्जी से होती हैं। और गाइज इन जोम्बी टाइप क्रिएचर्स को गेम में हॉन्टेड का नाम दिया है। असल में गाइज हॉन्टेड भी आम इंसान ही थे, लेकिन इस वर्ल्ड में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो हॉन्टेड में बदल गए। और इन लोगों के साथ क्या हुआ ये मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद सेबेस्टियन कहीं हॉन्टेड से बच के जैसे तैसे सरवाइव करता है और डॉक्टर हेमिनीज से रीयूनाइट होता है। डॉक्टर हेमिनीज यहाँ सेबेस्टियन से उसके मेंटल पेशेंट लेज़ली को ढूंढने के लिए हेल्प मांगते हैं, जहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि शायद लेज़ली हॉस्पिटल की तरफ गया होगा, क्योंकि गाइज हॉस्पिटल उसके लिए एक फैमिलियर प्लेस है, क्योंकि कई सालों से उसका इलाज हॉस्पिटल में ही हो रहा था। जिसके बाद हेमिनीज सेबेस्टियन को उसके भाई वैलेरियो के पास लेकर जाता है, जो कि एक डॉक्टर था। लेकिन गाइज हम देखते हैं कि वैलेरियो भी एक हॉन्टेड में तब्दील हो रहा था, और वैलेरियो यहाँ पर सेबेस्टियन पर हमला करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन वैलेरियो को शूट कर देता है। जिसके बाद फाइनली ये दोनों लेज़ली को ढूंढ लेते हैं। वापस जाते हुए वो देखते हैं कि जिन सीढ़ियों से वो यहाँ आए थे वो अब गायब हैं, और यहाँ लेज़ली भी लूजिंग आवर माइंड्स रिपीट करने लगता है। जिसके बाद गेम में एंट्री होती है रूविक की। यहाँ डॉक्टर हेमिनीज के मना करने के बाद भी सेबेस्टियन रूविक को फॉलो करता है, और कुछ ही कदम चलने पर वो एक अलग ही जगह पहुंच जाता है जहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर पहले डॉक्टर हेमिनीज और लेज़ली दोनों यहीं पर थे। यहाँ सेबेस्टियन का सामना लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म से होता है। यहाँ पर लॉरा रूविक की बहन है, और गाइज लॉरा के ऐसा बनने के पीछे भी एक वजह है, जिसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। गाइज आई नो कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बात के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, बट पेशेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ दिस गेम। नाउ लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म को चकमा देकर सेबेस्टियन फाइनली जोसेफ को ढूंढ लेता है, जहाँ पर जोसेफ का शरीर बाथ टब में होता है। नाउ जोसेफ कंफ्यूज है और उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ आया कैसे। नाउ फिर एक बार वही क्रीपी नॉइस सुनाई देती है, और ऑस्कर की तरह जोसेफ भी हॉन्टेड में बदलने लगता है, जहाँ पर जोसेफ सेबेस्टियन पर हमला भी करता है, पर थोड़ी देर बाद समहाउ वो नॉर्मल हो जाता है। अब गाइस गेम में कई बार इस क्रीपी नॉइस का जिक्र हुआ है, तो चलो देखते हैं कि आखिर ये क्रीपी नॉइस है क्या। असल में गाइस इस नॉइस को गेम में हाई पिच नॉइस कहा गया है, और ये हाई पिच नॉइस रूविक के आसपास होने या उसके हमला करने से पहले एक अलर्ट अलार्म की तरह काम करती है, और इस नॉइस को रूविक ही प्रोड्यूस करता था। और गाइस जोसेफ के हॉन्टेड में बदलने का मतलब है कि रूविक सबके दिमाग पर हावी हो रहा है। नाउ थोड़ी देर बाद वो किडमैन को एक वाटर टैंक में फंसा हुआ देखते हैं, जिसके बाद कई जॉम्बीज से लड़ने के बाद वो फाइनली किडमैन को बचा लेते हैं। नाउ तीनों रीयूनाइट होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाई पिच नॉइस सुनाई देती है, जिसके बाद ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, और गाइज ये सब रूविक कर रहा है। नाउ इसके बाद हमें सेबेस्टियन और लॉरा में बॉस फाइट देखने को मिलती है, जहां पर सेबेस्टियन इस फाइट को जीत जाता है। नाउ गाइज सेबेस्टियन को एक बहुत ही स्ट्रेंज विजन दिखाई देता है, जिसके बाद सेबेस्टियन अपने आप को एक न्यू लोकेशन पर पाता है। गाइज एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि अभी तक सेबेस्टियन को जिन भी जगह पर टेलीपोर्ट किया गया वो सभी क्लोज और हॉरर जगह थी, पर यह जगह एक शांत टाउन जैसी थी। नाउ यहीं पर सेबेस्टियन को जोसेफ भी मिलता है, और दोनों रीयूनाइट होकर किडमैन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वह दोनों
किडमैन को लेजली के साथ चर्च की तरफ जाते हुए देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। नाउ फाइनली ये दोनों चर्च पहुंचते हैं जहां पर एक बार फिर हाई पिच नॉइस सुनाई देती है। और गाइज हम देख सकते हैं कि इस नॉइस को रूविक ही प्रोड्यूस कर रहा था, जहां पर रूविक एक बार फिर जोसेफ और सेबेस्टियन को अलग कर देता है, जिसके बाद सेबेस्टियन फिर से अपने आप को एक नई जगह देखता है, जहां पर कहीं हॉन्टेड से बचने के बाद सेबेस्टियन फाइनली डॉक्टर हेमिनीज तक पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर हेमिनीज स्टेम मशीन के पास खड़े थे। और गाइज स्टेम एक ऐसी मशीन है जो मशीन नहीं बल्कि खुद में ही एक वर्चुअल वर्ल्ड है। गाइज अगर किसी के ब्रेन को स्टेम से कनेक्ट किया जाए तो शरीर बेजान हालत में ओरिजिनल वर्ल्ड में पड़ा रहता है, लेकिन ब्रेन के स्टेम से कनेक्ट होने के वजह से इंसान की कॉन्शियसनेस स्टेम वाले वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है और इंसान अपनी ब्रेन कैपेसिटी की मदद से स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को कंट्रोल कर पाता है। नाउ गाइस सेबेस्टियन डॉक्टर हेमिनीज से पूछता है कि आखिर रूविक चाहता क्या है, तो डॉक्टर हेमिनीज बताते हैं कि रूविक सभी को जान से मार देना चाहता है। What does he want? Well, it's just a theory, but I'd say he wants us dead. जिसके बाद सेबेस्टियन को फिर वही स्ट्रेंज विजन दिखाई देता है और फिर से सेबेस्टियन अपने आप को एक न्यू लोकेशन पर पाता है, जहां पर रूविक और डॉक्टर हेमिनीज के कुछ फ्लैशबैक विजन्स की मदद से सेबेस्टियन को रूबिन के रूविक बनने की पूरी कहानी पता चल जाती है। असल में गाइस रूबिन और उसकी बहन लॉरा दोनों ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और रूविक के पेरेंट्स ने जबरदस्ती पैसे के दम पर गांव वालों की जमीनें हथियाई थी और इसी बात का बदला लेने के लिए गांव वालों ने उनके नए लकड़ी के घर में आग लगा दी। और अनफॉर्चुनेटली रूबिन और लॉरा उस समय इसी घर में खेल रहे थे, जिस वजह से वो दोनों इस आग की चपेट में आ जाते हैं, जहां पर लॉरा समहाउ रूबिन को इस घर से बाहर निकाल देती है लेकिन खुद जलकर मर जाती है और इस आग की वजह से रूबिन का भी आधा शरीर जल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद लॉरा कोमा में चली जाती है, जहां ये रिवील होता है कि रूबिन दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर था और उसकी घिनौनी क्यूरियोसिटी को छिपाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे एक सीक्रेट लैब बनाकर दी थी। और रूबिन यहां किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस ठीक करना चाहता है और रूबिन यहाँ एक ऐसी रिसर्च पर काम कर रहा था जहाँ वो अपने और लॉरा के लिए एक न्यू वर्ल्ड बना सके। और गाइस इस रिसर्च में डॉक्टर हेमिनीज भी रूविक का साथ देते हैं और इससे पहले रूविक लॉरा की कॉन्शियसनेस को स्टेम से जोड़ पाता लॉरा की कोमा में ही डेथ हो जाती है। असल में गाइस रूबिन के पेरेंट्स को पहले ही पता चल गया था कि लॉरा अब कोमा से वापस नहीं आने वाली और इसलिए वो डॉक्टर से कहकर वेंटिलेशन के प्लग को खुलवा देते हैं, जिस वजह से लॉरा की डेथ हो जाती है। और गाइस क्योंकि रूबिन का लगाव उसके पेरेंट्स से ज़्यादा लॉरा से था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है। और फाइनली स्टेम प्रोजेक्ट कामयाब रहता है, जिसके बाद हमें मोबियस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। और गाइस डॉक्टर हेमिनीज भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे और गाइस इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक द एडमिनिस्ट्रेटर अपने पर्सनल फायदों के लिए स्टेम को यूज़ करना चाहता है, लेकिन रूबिन को इस बात का पता चल जाता है और वो स्टेम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इस तरह डेवलप करता है कि सिर्फ वो ही उस पर कंट्रोल कर सके और स्टेम सिर्फ रूबिन के ब्रेन वेव्स की मदद से ही चल सके। और जब इस बात का पता द एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है तो वो रूबिन को पकड़कर जान से मार देते हैं और उसके दिमाग को निकालकर स्टेम से कनेक्ट कर देते हैं ताकि स्टेम चलता रहे। गाइस द एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रूबिन तो मर जाता है, लेकिन रूबिन का ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होने के वजह से उसकी कॉन्शियसनेस स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है। मतलब गाइस रूबिन तो मर गया, लेकिन उसकी ब्रेन की कॉन्शियसनेस ने स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में रूविक को जन्म दिया और रूबिन की इसी कॉन्शियसनेस को स्टेम वर्ल्ड से ख़त्म करने के लिए मोबियस ने कई एजेंट्स को भेजा। और क्योंकि स्टेम में रूविक का राज था,
इसलिए वो उसका बाल भी पाका ना कर सके। और ज़्यादा टाइम तक स्टेम के वर्चुअल वर्ल्ड में रहने के वजह से इन लोगों पर इस जगह का असर होने लगा और ये धीरे धीरे हॉन्टेड में बदल गए। रूविक को स्टेम वर्ल्ड से बाहर निकालने के लिए मोबियस ने कई कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। और फाइनली मोबियस ने रूबिन के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर स्टेम से डिसकनेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो रूविक को स्टेम वर्ल्ड से बाहर नहीं निकाल पाए, जिसके बाद मोबियस को लेज़ली के बारे में पता चलता है। और गाइस, लेज़ली की ब्रेन वेव्स भी काफ़ी हद तक रूविक से मिलती हैं, और इसलिए मोबियस लेज़ली की कॉन्शियसनेस को रूविक की कॉन्शियसनेस से इंटरचेंज करना चाहता है, ताकि रूविक की जगह स्टेम पर लेज़ली का कंट्रोल हो और लेज़ली मोबियस के अंडर काम करे, जिससे इनडायरेक्टली स्टेम का कंट्रोल मोबियस के हाथ में आ जाता। और गाइज, यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जूली किडमैन एक डबल एजेंट है जो कि मोबियस के लिए काम करती है। और गाइज, द एडमिनिस्ट्रेटर ने ही जूली को स्टेम वर्ल्ड में भेजा था रूविक को स्टेम से बाहर निकालने का तरीका ढूंढने के लिए। सिमिलरली यही काम द एडमिनिस्ट्रेटर ने और भी कई एजेंट्स के साथ किया जो बाद में हॉन्टेड बन गए। नाउ स्टेम वर्ल्ड में किडमैन को ये पता चलता है कि क्योंकि लेज़ली और रूविक दोनों की ही ब्रेन वेव्स आपस में मैच करती हैं, इसलिए रूविक लेज़ली के थ्रू स्टेम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आना चाहता है। अब गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मोबियस भी रूविक को स्टेम से बाहर निकालना चाहती है और रूविक खुद भी स्टेम से बाहर आना चाहता है, तो दिक्कत है क्या? असल में गाइज, मोबियस सिर्फ रूविक को स्टेम से बाहर नहीं निकालना चाहती, बल्कि स्टेम पर कब्जा भी करना चाहती है। और गाइज, रूविक स्टेम वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि रियल वर्ल्ड पर भी अब उसका कब्जा होना चाहिए। और गाइज, क्योंकि रूविक का जन्म रूबिन की ब्रेन कॉन्शियसनेस के वजह से हुआ है, और गाइज, क्योंकि रूविक सिर्फ एक ब्रेन की पावर है, उसे रियल दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए इंसानी शरीर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए रूविक को लेज़ली के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ दूसरी तरफ सेबेस्टियन का सामना एक और बार लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म से होता है, और एक बार फिर सेबेस्टियन अपने आप को बचा लेता है। और गाइज, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर लॉरा मर गई थी तो स्टेम वर्ल्ड में वो एक मॉन्स्टर जैसी कैसे बन गई। असल में गाइज, जिस समय रूबिन के दिमाग को स्टेम से कनेक्ट किया गया, उस समय उसके दिमाग में गांव वालों और अपने पेरेंट्स को लेकर काफ़ी एग्रेसिवनेस थी, और रूबिन के इसी गुस्से ने स्टेम वर्ल्ड में लॉरा की मॉन्स्टर फॉर्म का रूप ले लिया। नाउ सेबेस्टियन एक बार फिर डॉक्टर हेमिनीज के पास पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर हेमिनीज लेज़ली के ब्रेन को वर्चुअल वर्ल्ड के स्टेम से कनेक्ट कर रियल वर्ल्ड में पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर यह एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहता है। और तभी वहां पर अमलगम नाम का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है। अमलगम यहां पर डॉक्टर हेमिनीज पर अटैक करके उन्हें मार देता है, और सेबेस्टियन और लेज़ली दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नाउ दूसरी तरफ किडमैन लेज़ली को शूट करने वाली होती है, पर तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है। किडमैन सेबेस्टियन को समझाती है कि रूविक को रियल वर्ल्ड में आने से रोकने के लिए लेज़ली को शूट करना ज़रूरी है। नाउ हम देखते हैं कि लेज़ली हाई पिच नॉइस प्रोड्यूस करता है, जो कि अभी तक सिर्फ रूविक ही कर सकता था। गाइज, इसका मतलब है कि रूविक धीरे धीरे लेज़ली पर अपना कंट्रोल कर रहा है। नाउ लेज़ली भागता है और किडमैन उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर बीच में जोसेफ आ जाता है और गोली जोसेफ को लग जाती है और लेज़ली बचकर भाग जाता है, और सेबेस्टियन लेज़ली का पीछा करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन को वही सीन रीप्ले होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें रूविक ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को एक ही झटके में मार दिया था। गाइज, अभी तक हमें लग रहा था कि जब रूविक ने सेबेस्टियन पर अटैक किया, तब सेबेस्टियन रियल वर्ल्ड से स्टेम वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि गेम की स्टार्टिंग में ही बीकन मेंटल हॉस्पिटल आते हुए कार में जब हाई पिच नॉइस सुनाई दी थी, तब उन चारों को स्टेम वर्ल्ड में खींच लिया गया था। और जब सेबेस्टियन ने इस फुटेज को देखा, उस समय सेबेस्टियन ऑलरेडी स्टेम वर्ल्ड के अंदर ही था। नाउ यहाँ पर रूविक सेबेस्टियन को ग्रैब करता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन रूविक से बचने में कामयाब हो जाता है। नाउ
किडमैन लेजली को शूट करने के लिए उसके पीछे भागती है और सेबेस्टियन और किडमैन एक बार फिर से रीयूनाइट होते हैं। किडमैन सेबेस्टियन को समझाने की कोशिश करती है कि रूवे किस तरीके से लेजली का यूज करके रियल वर्ल्ड में आना चाहता है, जिसके बाद एक बार फिर हाई पिच नॉइस सुनाई देती है और ये तीनों एक साथ एक न्यू लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और गाइस, इस लोकेशन का विजन सेबेस्टियन को पहले भी आया था। नाउ यहाँ पर रूविक ने लेजली पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और रूविक यहाँ पर लेजली की कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब कर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद रूविक और सेबेस्टियन में बॉस फाइट होती है और सेबेस्टियन इस फाइट को जीत लेता है। नाउ सेबेस्टियन को होश आता है और वो अपने आप को स्टेम से कनेक्टेड देखता है। नाउ सेबेस्टियन रूविक के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद को एक न्यू लोकेशन पर पाता है। यहाँ सेबेस्टियन किडमैन को देखता है जो कि उसे चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मोबियस ग्रुप के ही मेंबर थे जो कि उनके खिलाफ सारे सबूतों को मिटा रहे थे, क्योंकि वही लोग बीकन मेंटल हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और गाइस, तभी एक औरत किडमैन के पास आती है और गाइस इस औरत के हाथ में एक अजीब सा निशान है। और गाइस, इस मार्क को गेम में रूविक्स मार्क कहा गया है और ये किसी के हाथ पर तब बनता है जब कोई स्टेम में जाकर वहां से जिंदा बचकर आ जाए। और गाइस, सिमिलरली ऐसा ही निशान हमने द एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ पर भी देखा था। और गाइस, तभी कोई इंसान उस औरत को मायरा नाम से बुलाता है। और गाइस, मैं बता दूं कि मायरा सेबेस्टियन की वाइफ का ही नाम है। मतलब गाइस, हम गेम की शुरुआत से ही जिस मायरा को गायब और लापता समझ रहे थे, वो कभी गायब और लापता थी ही नहीं, बल्कि सच तो ये है कि मायरा यहाँ मोबियस के लिए काम करती है। नाउ गाइस, किडमैन अपने हाथ पर भी रूविक्स मार्क देखती है। और गाइस, एक बात ये भी रिवील होती है कि जो स्टेम वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है, वो रियल वर्ल्ड कभी वापस आ ही नहीं सकता। और इसीलिए शायद हम मोबियस के द्वारा डॉक्टर हेमिनीज और जोसेफ की बॉडी को ले जाता हुआ देखते हैं। और गाइस, यहाँ पर सेबेस्टियन को फाइनली होश आता है, लेकिन इस समय जूली और बाकी के सभी मोबियस वर्कर वहाँ से जा चुके होते हैं। और गाइस, सेबेस्टियन देखता है कि लेजली की बॉडी मिसिंग है, जबकि लेजली तो स्टेम वर्ल्ड में मरा ही नहीं था। नाउ गाइस, सेबेस्टियन बीकन मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहाँ वो लेजली को जाता हुआ देखता है। और गाइस, इस बार लेजली के चलने का तरीका एक पागल जैसा नहीं था। मतलब गाइस, जिसे हम अभी चलता हुआ देख रहे हैं, वो लेजली नहीं, रूविक है, जो कि लेजली के थ्रू रियल वर्ल्ड में आ गया है। और गाइस, यहीं पर द इविल विदिन गेम की स्टोरी का एंड होता है। तो गाइस, द इविल विदिन 2 गेम की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है द इविल विदिन 1 की स्टोरी के 3 साल बाद, जहां पर सेबेस्टियन अभी तक भी उसके साथ बीकन मेंटल हॉस्पिटल में हुए एक्सीडेंट्स को नहीं भुला पाया है। प्लस उसकी डॉटर लिली, जिसकी मौत घर में आग लगने के वजह से हुई थी, एंड उसकी वाइफ मायरा, जो कि लिली की डेथ के बाद मिस्टीरियस रूप से गायब हो गई थी। इन सभी टेंशन्स के चलते अब सेबेस्टियन कैस्टियानोज ने क्रिम्सन सिटी पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन कर दिया। प्लस इन सब एक्सीडेंट्स को भुलाने के लिए अब वो अल्कोहल का सहारा लेता है। गेम की स्टार्टिंग में भी हम सेबेस्टियन को एक बार में ही देखते हैं, जहां पर जूली किडमैन, जो कि सेबेस्टियन की पार्टनर थी प्लस एक मोबियस एजेंट भी थी, सेबेस्टियन को मिलने उस बार में आती है। एंड सेबेस्टियन यहाँ पर जूली को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इन 3 सालों में सेबेस्टियन ने भी जूली को ढूंढने की काफी कोशिश की, बट वो उसे नहीं मिली। जूली यहाँ पर ये रिवील करती है कि सेबेस्टियन की डॉटर लिली अब भी जिंदा है। सेबेस्टियन यहाँ जूली की बात पर भरोसा ना करते मोबियस एजेंट्स पर अटैक करता है, बट जूली उसे बेहोश कर देती है। नाउ अब सेबेस्टियन होश में आते अपने आप को मोबियस फैसिलिटी में पाता है, जहां पर वो न्यू स्टेम सिस्टम को देखता है। और ये स्टेम सिस्टम द इविल विदिन 1 गेम के स्टेम से बिल्कुल अलग है, जहां पर द एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि लिली को न्यू स्टेम सिस्टम के लिए एज अ कोर रखा गया था। और जिन लोग ने मेरी द इविल विदिन 1 की वीडियो देखी है, उन्हें पता होगा कि स्टेम और कोर का क्या सीन है। और स्टेम में बने एक आइडलिक अमेरिकन टाउन जिसका नाम यूनियन रखा गया। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर ये बताता है
कि कुछ टाइम पहले उनका कॉन्टेक्ट लिली से हट गया, बट उन्होंने इसे सिर्फ एक ग्लिच समझा और इसे ठीक करने के लिए कई और मोबियस एजेंट्स को स्टेम में भेजा, बट उनका भी कुछ पता नहीं चला। नाउ अब सेबेस्टियन अपनी डॉटर लिली को बचाने के लिए स्टेम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ अब इस वर्चुअल टाउन यूनियन में आकर सेबेस्टियन देखता है कि यहाँ रह रहे लोग या तो मर गए या फिर मॉन्स्टर बन गए। सेबेस्टियन यहाँ पर एक मिस्टीरियस फोटोग्राफर को भी देखता है जो एक एक करके मोबियस ऑपरेटिव्स को मार रहा है। नाउ अब आगे बढ़ते सेबेस्टियन कई मोबियस एजेंट्स को हॉन्टेड से बचकर भागते हुए देखता है। नाउ उन सब में से सिर्फ एक ही मोबियस एजेंट बचता है जिसका नाम लियाम ओनिल है। सेबेस्टियन से मिलने पर ओनिल ये रिवील करता है कि वो जस्ट एक टेक्नीशियन है और उसे कुछ गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही यहाँ भेजा गया था, बट वो यहीं फंस गया। नाउ अब सेबेस्टियन लिली द्वारा छोड़े हुए कुछ निशानों की मदद से लिली को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि उस मिस्टीरियस फोटोग्राफर ने लिली को किडनैप कर लिया है। नाउ अब थोड़े टाइम बाद सेबेस्टियन का सामना उस मिस्टीरियस फोटोग्राफर से होता है जो कि अपना नाम स्टेफानो वेलेंटिनी बताता है। और गाइज मैं अभी तक स्टेफानो को एक मिस्टीरियस फोटोग्राफर इसलिए कह रहा था बिकॉज ही हैज सम यूनिक एबिलिटीज। असल में गाइज स्टेफानो अपने कैमरा की मदद से किसी भी मूवमेंट को पॉज कर सकता है या फिर किसी मूवमेंट को एक टाइम लूप में बांध कर उसे बार बार रिपीट करा सकता है। यहाँ पर स्टेफानो ये रिवील करता है कि उसने जूली को किसी थर्ड पार्टी के ऑर्डर्स पर किडनैप किया था, बट क्योंकि मोबियस लिली को स्टेम के लिए एज अ कोर यूज कर रहे थे, दैट्स वाई स्टेम में बने इस वर्चुअल टाउन यूनियन पर भी अब लिली का कंट्रोल है। और इन्हीं सब एडवांटेजेस को देखकर स्टेफानो ये रिवील करता है कि उसने लिली को किडनैप कर उस थर्ड पार्टी को बिट्रे कर दिया और लिली को अपने पास ही रख लिया। नाउ अब स्टेफानो यहाँ से जाने लगता है, बट इससे पहले कि सेबेस्टियन उस पर गोली चला पाता वो गायब हो जाता है। नाउ अब स्टेफानो को ढूंढते सेबेस्टियन एक मोबियस एजेंट योकिको हॉफमैन से भी मिलता है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, जो कि ये रिवील करती है कि स्टेफानो भी एक साइकोपैथ है जो कि फैशन मॉडल्स का मर्डर कर उनकी फोटो खींचता और उसे अपना आर्ट बताता। एंड दैट्स व्हाई मोबियस को लगा कि स्टेफानो एक आर्टिस्ट है और इसलिए उन्होंने स्टेफानो को स्टेम से कनेक्ट किया ताकि वो यूनियन को एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। बट योकिको यहाँ पर बताती है कि किसी भी इंसान को स्टेम से कनेक्ट करने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। स्टेफानो किसी तरह उस टेस्ट को चकमा दे स्टेम में घुस गया और बाद में मोबियस को यह पता चला कि ही इज अ सीरियल किलर। एंड नाउ अब सेबेस्टियन फाइनली स्टेफानो को ढूंढ लेता है। नाउ अब सेबेस्टियन स्टेफानो से लड़ते उसे मार देता है। अब यहाँ स्टेफानो के मरते सेबेस्टियन अपनी डॉटर लिली को अपने सामने देखता है, बट फॉर सम रीजन लिली सेबेस्टियन से डरती है और यहीं मायरा के अपीयर होते मायरा लिली को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद सेबेस्टियन एक न्यू जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पर सेबेस्टियन फादर थिडोर वॉलेस से मिलता है। और गाइज फादर थिडोर ही वो थर्ड पार्टी है जिनके लिए स्टेफानो ने लिली को किडनैप किया था। फादर थिडोर यहाँ पर अपने लिए सेबेस्टियन को लिली को ढूंढने के लिए कहता है, बट सेबेस्टियन के मना करते वो उसे एक अननोन जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। I showed you the path here. You must learn that I am here to help. Return to me willingly. Then we can assume our natural roles. Not as adversaries. But as allies. Farewell for now, Sebastian. Now, अब सेबेस्टियन होश में आते एक और मोबियस ऑपरेटिव एस्मेरल्डा टोरेस से मिलता है, जहां पर एस्मेरल्डा ये रिवील करती है कि किडमैन मायरा फादर थिडोर एंड एस्मेरल्डा खुद लिली को स्टेम से बाहर निकाल मोबियस को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन फादर थिडोर के मेंटली अनस्टेबल होने के कारण उनका ये प्लान फेल हो गया एंड अब वो लिली को अपने लिए किडनैप करवाना चाहता है। अभी तक सेबेस्टियन को लगता था
कि जूली ही मोबियस को खत्म करने का प्लान कर रही थी, बट ये सारा प्लान मायरा का था एंड अब लिली मोबियस के अंडर है। ये पता चलते ही मायरा अब मोबियस को खत्म करने के लिए उनसे जुड़ गई, क्योंकि मोबियस एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसे सीधी तरह से खत्म करना आसान नहीं। नाउ अब एजमेरल्डे के सेफ हाउस पहुंचते सेबेस्टियन ओनिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट ओनिल से कांटेक्ट ना होने पर सेबेस्टियन उसे ढूंढने के लिए निकलता है, जहां ये पता चलता है कि फादर थियोडोर ने ओनिल का ब्रेन वॉश कर दिया है एंड अब ओनिल फादर थियोडोर के इन्फ्लुएंस में आते सेबेस्टियन पर अटैक करता है, और सेबेस्टियन और ओनिल में हुई फाइट के बाद सेबेस्टियन ओनिल को हरा देता है, और ओनिल होश में आते ये रिवील करता है कि फादर थियोडोर ने जबरदस्ती उससे एक मशीन बनवाई थी जिससे वो औरों की नजर से छिपा रह सके, और ओनिल यहाँ सेबेस्टियन को उसी मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। नाउ अब सेबेस्टियन एजमेरल्डे की हेल्प से उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन फादर थियोडोर सेबेस्टियन पर अपने इल्यूजन से अटैक करते हैं, और इसी इल्यूजन के चलते सेबेस्टियन एजमेरल्डे को फादर थियोडोर समझकर उसे शूट कर देता है एंड फाइनली होश में आते सेबेस्टियन ये देखता है कि एजमेरल्डे ने खुद को सेक्रीफाइस किया और उसकी जान बचाई। आफ्टर दैट सेबेस्टियन एंड योकिको को ये पता चलता है कि थियोडोर हैज इरेक्टेड हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द सेंटर ऑफ यूनियन, जो कि पूरी तरह से आग से लिपटा हुआ है एंड अब सेबेस्टियन एंड युकिको यहाँ जाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो ओनिल द्वारा बनाए फील्ड स्टेबिलाईजर मशीन का यूज करते हैं, बट उस फायर को क्रॉस करते युकिको मारी जाती है एंड ऑन द अदर हैंड फादर थियोडोर दोबारा से सेबेस्टियन पर मेंटली अटैक्स करता है एंड वंस अगेन सेबेस्टियन अपने आप को बीकन मेंटल हॉस्पिटल में पाता है। जहाँ पर लॉरा एंड अदर एनिमीज सेबेस्टियन पर अटैक करते हैं एंड वन बाय वन सेबेस्टियन उन्हें डिफीट करते फाइनली फादर थियोडोर तक पहुंचता है, पर इससे पहले सेबेस्टियन फादर को मारता मायरा वहां अपीयर होती है और फादर पर अटैक करती है, बट थियोडोर यहां पर मरता नहीं और वो मायरा पर पीछे से अटैक करता है, बट बिकॉज हेयर मायरा इज मोर पावरफुल देन थियोडोर, इस बार वो फाइनली थियोडोर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। नाउ सेबेस्टियन यहाँ मायरा को लिली के साथ स्टेम से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन मायरा यहाँ सेबेस्टियन को लिली से दूर जाने के लिए बोलती है एंड फिर वहां से चली जाती है एंड अब मायरा को फॉलो करते सेबेस्टियन उनके स्टेम में बने घर तक पहुंचता है। मायरा यहाँ लिली को सेफ रखना चाहती है, बट सेबेस्टियन बोलता है कि स्टेम एक ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है, और अगर लिली यहाँ रही तो वो एक रियल लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी एंड अब इस सब के चलते मायरा लिली को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर बन जाती है एंड ना चाहते हुए भी सेबेस्टियन को उससे लड़ना पड़ता है। नाउ फाइनली सेबेस्टियन मायरा की मॉन्स्टर फॉर्म को डिफीट कर देता है, जहां मायरा ये रिवील करती है कि वो अपने आप से कंट्रोल खो चुकी थी, बट अब वो एकदम नॉर्मल है। नाउ अब मायरा सेबेस्टियन को लिली के साथ स्टेम से जाने के लिए बोलती है एंड अब सेबेस्टियन लिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है एंड अब सेबेस्टियन ने लिली को फाइंड कर लिया। ये पता चलते ही द एडमिनिस्ट्रेटर सेबेस्टियन को मार देने का ऑर्डर देता है, बट किडमैन द एडमिनिस्ट्रेटर की बात ना मानते हुए उस पर अटैक करती है एंड देन मोबियस एजेंट्स एंड किडमैन के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। नाउ सेबेस्टियन लिली को बचाते मायरा को भी उसके साथ चलने को बोलता है, बट मायरा लिली की सेफ्टी के लिए मोबियस को खत्म करना चाहती है एंड दैट्स व्हाई वो सेबेस्टियन और लिली को जाने के लिए बोलती है और खुद को एज अ कोर रख लेती है। असल में गाइज स्टेम से कनेक्ट रहने के लिए हर मोबियस एजेंट के ब्रेन में एक चिप फिक्स की जाती है एंड मायरा उसी चिप को ओवरलोड करके मोबियस को खत्म करना चाहती है। ऑन द अदर हैंड
किडमैन सेबेस्टियन एंड लिली को स्टेम से बाहर निकालने की तैयारी करती है एंड बिकॉज किडमैन ने द एडमिनिस्ट्रेटर को बिट्रे किया वो उसकी चिप को ओवरलोड करके किडमैन को मारने की कोशिश करता है बट किडमैन बताती है कि उसने 3 दिन पहले ही उस चिप को निकलवा लिया था एंड सही टाइम पर सेबेस्टियन एंड लिली स्टेम से बाहर आ जाते हैं एंड मायरा भी उस चिप को ओवरलोड करके मोबियस को खत्म कर देती है एंड अब सेबेस्टियन लिली के साथ किडमैन को अलविदा कहता है। ऑन दी अदर हैंड स्टेम प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है एंड यहीं पर द इविल विदिन 2 की स्टोरी खत्म होती है। मे बी इससे आगे की स्टोरी हमें द इविल विदिन 3 में देखने के लिए मिले। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ तक मेरी हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।